यहाँ पे गांजा ही गांजा लगा है हर जगह, इतना सारा गांजा है। ये देखो चाय पीने के लिए यहाँ पे कैफे है, बहुत ही अच्छा सा। दिख रहे पहाड़ ऊपर तो मस्त लग रहे हैं, वाइट वाइट। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह चाय पीने के लिए। यहाँ पे कैफ़े है बहुत ही अच्छा सा, यहाँ से पार्वती रिवर दिखेगी। ये कुछ व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे बैठ के चाय वाय पियेंगे हम, देखते हैं चाय कॉफ़ी जो भी मिलता है। व्यू देखो गाइज, हमने कर लिया ब्रेकफास्ट और अब हम निकल चुके हैं वहाँ से। अब हम सोच रहे हैं किसी और होटल में जाके रूम चेक करें, वहाँ से चेंज करके और एकदम से यहाँ पे ये व्यू आ रहा है इतना मस्त रिवर का। ये ब्रिज बना हुआ है एक, ये अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, तो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखो बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे घूमने में, पैदल पैदल भी, और भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा एकदम शांति सी मिल रही है मन को। मतलब पहाड़ों में तो है ही शांति, कभी लोग आते हैं ज़्यादातर, हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है और धूप भी लग रही है थोड़ी सी, पर ठीक है ठंडा मौसम है इसलिए ज़्यादा छुप नहीं रही है, इसलिए आराम से हम घूम पा रहे हैं। देखो बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल, ये डाल दे, ये डाल दिया वो भाई। यहाँ पे ऐसे सामान लेके जाते हैं, ये भी है कैफेज तो बहुत सारे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कैंप, कैंप तो नहीं रूम देखने, रूम या कैंप जो भी मिल जाए ढंग का। कहाँ पे देखे आए थे तुम लोग? ऊपर ये पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है इतनी अच्छी, व्यू की तो कमी नहीं है एकदम, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हैं यहाँ पे। गाइस बहुत ऊपर जाके दिखाने ले जा रहा है भाई, वो जा रहा रोहित आगे। ये देखो यहाँ पे गांजा ही गांजा लगा है हर जगह, इतना सारा गांजा है, ये देखो पूरे में गांजा ही गांजा। ओ भाई साहब तो चलते चलते थक गए, इतने ज़्यादा चल चल के पूरा थक गया हूँ मैं। व्यू देखो पीछे का मेरे, पानी की टंकी, प्यास लग गई यार, लोग तो आगे निकल गए, मैं तो चल रहा हूँ आराम से, चलो पहुँचते जल्दी से। ये देखो गाइस पेड़ पहचानो, कसौल है ये कसौल, का टाइम आ गया है। इस वाले होटल से हम लोग कर रहे हैं चेकआउट और अब दूसरे वाले होटल में जा रहे हैं। ये सो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा, चलो आगे देखते हैं उसमें कैसा लगता है। वैसे तो अच्छा है, अभी देख के आए थे हम लोग और सही है, रूम क्लीन है, बहुत अच्छे हैं, बेड कंफर्टेबल हैं, चलो चलते हैं आगे। चलो
चलो गाइस चलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो चल चल के थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सामान तो हमने भिजवा दिया है, वो ले गए भैया सामान, थोड़ा बहुत है, एक ये बैग है, एक ये वाला है, और बस वो जा रहे हैं। ये पार्वती रिवर बहुत ही अच्छी लगती है, झरने के जैसा साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया पानी बह रहा है उसका साउंड आ रहा है बहुत। नहीं पहले हम लोग जा रहे हैं कसौल मार्केट, पहले कसौल जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे मज़े करेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे जो जो वहाँ पे व्यू है और सब। और अभी सामान रखने जा रहे हैं, सामान रखने के लिए। अब जैसे ये लोग वापस आएंगे फिर हम लोग जाएंगे आगे कसौल ट्रैकिंग करके, यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे सीधा, 2 या 2.5 किलोमीटर है कुछ, गाड़ी हम निकाल नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे ट्रैक करके, गाड़ी हम निकाल नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ रोड हो जाएगा तो इसलिए, और जाम भी लगता है रोड पे, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको। देखो गाइस यहाँ पे जैसे खच्चर है लेके जाते हैं, कोई भी सामान लेके जाते, बैठ के और बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अपनी मील इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ सामने कैंप भी है, पूरे रिवर साइड कैंप, कहीं रात में बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो गाइज इधर कैंप वगैरह भी है और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कैंप में रह सकते हैं, पर यहाँ रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी रात में। अगर आपको ठंड नहीं आप झेल सकते हैं ठंड तो ठीक है, पर बहुत तेज़ ठंड हो जाती है और अभी धूप हो रही है तो इसलिए ठीक है मौसम, गर्मी नहीं लग रही बस इतना है। देखो राय पे आके खड़े हो गए हैं, किधर जाएंगे चलो अब आगे चल रहे हैं, वॉक करते करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे 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 व्यूज। ये ऐसा रास्ता है यहाँ पे चलने में बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है, वाह बहुत बढ़िया, और व्यू देखो यहाँ का बहुत अच्छा। गाइस यहाँ तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बहाव है और आवाज़ भी बहुत तेज आ रही है नदी की, ये देखो कैसे देखो ऐसा रास्ता है, इस पर हमें जाना पड़ रहा है पैदल पैदल। ओ गिर गया गाइस, ये वाले पहाड़ चेक करो, ये इतने बढ़िया लग रहे हैं, ये वाइट वाइट बहुत बढ़िया। हम लोग चलते चलते थक गए हैं और हम बैठ गए हैं यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल टाइप है, कैफे, कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ मिलती है यहाँ पे। टेबल बना दिया ऐसा कुछ, पता नहीं इसको ऐसा कुछ बोलते हैं, मुंडू मुंडू, और यहाँ से ऐसा चलते चलते थक गए बहुत ज़्यादा, क्या करें, और अभी तो वापस भी जाना है और अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे है, कैसे होगा, 18 मिनट लगेंगे पैदल चल चल के, और सीधी रोड भी नहीं है कि सीधा चल लो, चढ़ाई है कहीं जगह पे, कहीं पत्थर है, कहीं से वाटर क्रॉसिंग भी है, अभी दिखा एक आई थी बीच में, मैं शूट नहीं कर पाया, वापस जाते टाइम आपको दिखाऊँगा, वाटर क्रॉसिंग है बहुत अच्छी। चलो
भी होटल है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा पक्का हो गया है, अब थोड़ा चलने में इजी हो रहा है, मतलब पीछे तो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रास्ता था और पत्थर पत्थर थे। यहाँ से गाइस चेक करो ये व्यू, और अभी भी 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है हमें। चलते चलते थक गए, आधा घंटा मेरे ख्याल से और लगेगा अभी। चलो चलना तो पड़ेगा ही, वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से वापस भी आएंगे, वहीं लंच कर लेंगे। ब्रिज ब्रिज को क्रॉस करेंगे, ब्रिज आ गया है, ब्रिज को क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इधर से ही शायद मेरे ख्याल से कस्टमर आएगा आगे। दिख रहे हैं पहाड़ ऊपर, तो मस्त लग रहे हैं, वाइट वाइट भाई। कहीं भी देख लो, एक नंबर व्यू, बहुत अच्छा। गाइस हम लोग एंटर कर रहे हैं इसमें, कसोल का मेन मार्केट, वहाँ से पूरा मार्केट लगा हुआ है। गाइस ये है माल कसोल का ब्लॉग में डाल दूंगा। देख रहा हूं गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा है तू, मैंने देख लिया तेरे को। गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ रेस्टोरेंट टाइप ही है, अब यहाँ पे लंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं कैसा है लंच, टेस्टी होगा वैसे तो लग तो रहा है लोकेशन देख के। अच्छा देखते हैं, मतलब रिवर तो हर जगह है और रिवर साइड ही सारे कैफे वैफे बने हुए हैं।
देखते हैं कुछ ऑर्डर कर, मैं गिर गया, तो देखते हैं कुछ ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ का कुछ व्यू चेक कर लो, ये व्यू है, गाइज हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए पाइन वुड ढाबा है, ठीक है। इससे पहले जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो बहुत ही कॉस्टली था, इसका ठीक है थोड़ा मेन्यू, इसमें आई गेस 150 की है, 150 की दाल है और सही भी लग रहा है, देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा फूड है, टेस्ट वेस्ट चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। सो गाइज हमने खाना खा लिया है, ठीक था, स्पाइसी था, बहुत ही मसालेदार खाना बनाया था, ठीक था, टेस्ट नॉर्मल था, प्राइस भी ठीक था, बट बेटर हो सकता था। चलो खाना वाना खा के निकल चुके हैं, अब यहाँ से अब हम पैदल तो जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ही दूर है होटल और अब हमें चलने की हिम्मत तो रही नहीं, तो इसलिए अब हम कुछ टैक्सी वैक्सी ढूँढते हैं और फिर चलते हैं आगे, ऐसा कुछ। गाइस हम लोग आ गए वापस, हमने कैब कर ली थी, 250 रुपीज़ लिए उनने हमसे और हमें यहाँ छोड़ दिया ऊपर जहाँ पर हम गाड़ी रोड है बिल्कुल मेन हाईवे, और मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे हमें, हम लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर से नीचे उतर के जा रहे हैं, बहुत सही रास्ता है ये है गाइस ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ से हमारा है कैंप, आगे कैंप नहीं है एक्चुअली रिजॉर्ट होटल टाइप है पूरा, और उससे थोड़ा सा आगे जाके एक पार्टी भी हो रही है और वहाँ पे पार्टी में हम लोग तो एंटर करने की सोच नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और रेस्ट वेस्ट करेंगे, तो देखते हैं मन करेगा तो चले जाएंगे पार्टी पे। देखो गाइस ऊपर मौसम ख़राब है, बादल आ गए, गाइस उस ट्रैक से तो बच गए पर इस ट्रैक का क्या, ये भी बहुत ऊपर है और ये चढ़ाई है, ऊपर से रोड बेकार है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गांजा ही गांजा लगा पड़ा है सब जगह, बहुत सारा पूरा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी। वहाँ का वेदर चेक करो भाई साहब, पूरा वेदर ख़राब है, मेरे ख्याल से बर्फ़ पड़ रही होगी वहाँ, मजाक करूँ बर्फ़ नहीं पड़ रही, बस मौसम तो ऐसा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं। गाइस ये वाला लिया है हमने होटल, ये थोड़ा सा सस्ता है और ऑलमोस्ट सेम ही है, चलो अंदर चलते हैं रूम में बैठते हैं। गाइस ये वाला रूम है अपना, जॉब लिया है हमने और सही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं गाइस कोई भी सजेशन है, कुछ भी है आपके पास आप हमें सजेस्ट करें, और चलो ठीक है मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।